आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी ज़बान क्लास 8 का उर्दू कवायद, वाहिद और जमा। सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं, वाहिद जमा क्या होते हैं, किसे कहते हैं। वाहिद वो इसमें जो सिर्फ एक शख्स, चीज़ या जगह को जाहिर करे, जैसे किताब, मकान, हैवान, मदरसा, लड़का, औरत वगैरह। जमा वो इसमें जिससे एक से ज़्यादा अशखास, चीज़ें या जगहें समझी जाएँ, जैसे किताबें, मकानात, हैवानात, मदारिस, लड़के, औरतें वगैरह। वाहिद अल्फाज की जमा दो तरीक़े से बनाई जाती है। पहले हिंदी का तरीका, जैसे किताब से किताबें, मकान से मकानों, मदरसे से मदरसे या मदरसों। दूसरा तरीका फारसी अरबी ज़बान के बनाए, जैसे किताब से कुतुब, मकान से मकानात, मदरसा से मदारिस वगैरह। ज़ेल में फारसी अरबी तरीक़े पर वाहिद जमा अल्फाज की जमा दी गई है। आला आला, तालीम तालीमात, आयत आयात, तसनीफ तसानीफ, एहसान एहसानात, तकलीफ तकालीफ, अखबार अखबारात, जिस्म अजसाम, उस्ताद असातिज़ा, खातून खवातीन, आफत आफात, खत खतूत, अमीर उमरा, दफ्तर दफातर, इश्तिहार इश्तिहारात, रुबाई रुबाइयात, असर आसार, रूह अरवाह, बाग बागात, जायर जायरीन, बेगम बेगमात, सबब अजबाब, ताजिर ताजिर तजार, सबक अजबाब, तर्जमा तराजिम, सुल्तान सलातीन, तस्वीर तसावीर, शायर शौरा, तोहफा ताहिफ, शरीफ शुरफा। ठीक है जी, तो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।